गुड मॉर्निंग गाइस, आपको लग रहा होगा कितने बजे, 10-11? नहीं, अभी सिर्फ 7 ही बजे, तो भी इतनी धूप आ गई है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। शादी हो गई है कंप्लीट और आज हम लोग जाने वाले हैं मम्मी के गांव। वहाँ के भी व्लॉग्स आएंगे, 2 दिन ही रहने वाले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शीतल आई नहीं है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए 2 दिन ही रहने वाले हम लोग। और मैं अभी उठी और मेरा आवाज़ बदल गया सब, मुझे सर्दी हो गई, गर्मी में भी मुझे सर्दी होती है, इसलिए मुझे बाहर ठंडा भी नहीं खा सकती और बीमार पड़ रही हूँ इसलिए बाहर का भी नहीं खा सकती, सिर्फ घर के ही फ्रूट्स और खाना ही चल रहा है मेरा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है day 3 इन विलेज। आज हम लोग जाने वाले हमारे नानी के गांव। मम्मी के इस नहीं बोली क्योंकि मम्मी का नहीं है वो गांव, नानी का गांव। नानी का, मेरे मम्मी का गांव है। नानी के शादी होने से पहले जो गांव था वो गांव में कल जाएंगे। आज जाने वाले नानी के गांव में, अंकिता की नानी मेरी मम्मी नहीं तो आप समझेंगे मेरी नानी अभी मीन्स अभी एक दो महीना हो गया होगा, अभी गुजर गए। 90 इयर्स के थे वो। 90 इयर्स भी क्रॉस प्लस, हाँ प्लस थे। और आपको कैसे लग रहा है गाँव की शादी देख के? हमारे पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, तो आज हम लोग दिखाएंगे आपको गांव का थोड़ा सा माहौल। थोड़ा हम जाने वाले आज एक जगह पे घूमने के लिए, सर दिखाएंगे आपको और फिर दूसरे गाँव जाएंगे वहाँ भी दिखाएंगे आपको, गाँव के ही ब्लॉग दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा एंजॉय करो बारिश में अगर आए तो बारिश का भी देखेंगे। अभी बारिश तो बारिश में तो बहुत मजा आता है, धूप में थोड़ा धूप बहुत तेज रहती है बोलते हैं, मुंबई से भी ज्यादा बहुत, लेकिन मुंबई में कैसे फील होता है, यहाँ पे फील नहीं होता है धूप। यहाँ पे वो पहाड़ और पेड़ों की वजह से ठंड महसूस होती है, रात को तो ठंडी एकदम लगती है, ऐसा गर्मी फील नहीं होता, सिर्फ दिखता है गर्मी है, ऐसे लगता है कि गर्मी बहुत है, तकलीफ होगी, लेकिन कुछ नहीं होता, उल्टा सुकून जो आरामदायक है वो लगता है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद एक मंदिर में जाने वाले हैं, वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे। दिखाओ यहाँ का सूरज, कितने कितने सूरज जागे है देखो सूरज। ये पूरा व्यू हम लोग ऊपर टेरेस पे, वो नदी है नहीं, इतना नहीं दिख रहा होगा बट अभी पूरा सूख गई है, है पानी लेकिन वो दिखेगी नहीं, पानी है नदी में थोड़ा सा ही रहेगा अभी, क्या सावित्री नदी है, सावित्री अगले महीने आएगी वो एकदम, बाढ़ बाढ़ नहीं, क्या 2 साल पहले जब वो हुआ था ना, क्या था भूकंप मीन्स बारिश में भूकंप हो गया था, बारिश की वजह से भूकंप नहीं क्या बोलते हो फ्लोडिंग, हाँ फ्लोडिंग हो गया था बारिश तो में। नदी एकदम छोटू सी है बट इतना बहाव बढ़ गया था कि पूरा डबल हो गया था, डबल हो गई थी नदी। और एक जगह हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं उतना, उधर मतलब झूलता फूलता मस्त था, मस्त था, अगर मेरे पास उसका वीडियो होगा हम लोग का पहले का डाल देंगे तो दिखा देंगे कि वो बहुत ऑसम स्पॉट था, बट वो भी उस फ्लोडिंग में चला गया। जो 2 साल पहले हुआ था आपने न्यूज़ में सुना भी होगा सब लोगों ने, महाड़ पोलादपुर साइड, कोकण साइड में ऐसा कुछ हुआ है जो पहाड़ गिर गए थे ऊपर से, बहुत सारे इंसानी हानि हुई थी, तो वो हमारे गांव में
हम लोग आए थे उस टाइम देखने के लिए भी, होने के बाद में आए थे हम लोग रेनी सीजन में। तो चलो अभी मिलते हैं बाद में। दर्शन मंदिर में अलाउड नहीं था ना कैमरा, इसके लिए आपको दिखाया नहीं, बाकी आपको बाहर का दिखा रहे हैं हम लोग जो भी है। एकदम सांगितलं का ये स्पेस। अरे कहना क्या चाहते हो, आप भी आ सकते। सारण टेप करके जगह है वाखन, पोलादपुर से अंदर है, और बहुत सारे मीन्स आते हैं सब शहर के भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए। तो आप कौन है, आप भी आ सकते हो। नदी दिखा, देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। इतनी गर्मी तो भी इतना अच्छा व्यू है, बारिश में तो और ही अच्छा व्यू होता है यहाँ से। महाबलेश्वर हमारे गांव से पास में ही है, हमारे गांव मतलब गांव से जाने के लिए भी रास्ता है महाबलेश्वर को। कैसा लग रहा है गाइस, मस्त ना। चलो चलते हैं अब, और अभी घर पे जाके खाना खा के हम लोग निकलेंगे नानी के गांव में, सिर्फ घूमने का ही है अभी 2 दिन हम लोग को। चलो बाय बाय। लोग मिसल खाने आए यहाँ पे, मिसल बहुत फेमस है, बहुत अच्छी मिलती है। मम्मी खा रही है, टेस्टी टेस्टी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं नानी के गांव के लिए। नानी के गांव जा रहे हैं, बहुत धूप है ना। कैसे लग रहे हैं आप, कैसे आप जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहुंच गए हैं, ये है हमारा घर, बाद में दिखाएंगे होम टूर। लग रहा है ना अभी गांव में आए, घर घर बाद में आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये व्यू देखिए, यहाँ से ही घर में से ही बैठ के ऐसे व्यू मिलता है। तो गाइस ये है हमारा घर, देखिए गांव में कैसे कैसे घर होते हैं। ये जमीन दिखा है और इसमें चावल भर के रहते धान का, धान रखने के लिए होता है ये, खराब नहीं होता क्योंकि फिर मामी याच्यात किती किलो तांदूळ बसता गंडी। हिंदी मध्ये ट्रान्सफर कसं, 20 मोल म्हणजे 200 किलो, कंडी मीन्स 200 किलो चावल इसमें बेचते। ये क्या बोलते हो, गोबर, हाँ बाहर गोबर है और ये आई गेस अंदर लकड़ी, लकड़ी का है, लकड़ी का बना है, इससे बना हुआ है। पूरा साल तक ये चावल ऐसे ही रहता है, मीन्स पूरा थोड़ा भी खराब नहीं होता है इसमें, इसके अंदर है देखो धान, आपको दिखा रहे ये देखिए ये धान है। और ये हमारी नानी गांव में रहती है। भाई देखो ये आप जाओ ना भर दे लगा, ये बात भर निकल जा रहे, ये जो है ना इसमें से चावल ये ना भर दे, इसमें से चावल भर दे, ये उधर झूठ रहा है, ये ठेवायचे सोन्याकडे, ये
ये है हमारा घर, घर का ये हमारी परदादी जो अभी मैंने बोला था अब भी ऑफ हो गए, 90 इयर्स के थे वो, 4 महीने हो गए। लाइट लाओ, या अभी गैस आई है, नहीं तो पहले इस चूल्हे पे ही रहता था खाना। बाहर का चूल्हा भी दिखाना पड़ेगा ना, जल्दी कैमरे में हो सब गपशप गॉसिप चल रहा है। दादी नानी के जमाने के, मेरे नानी के, अंकिता के पर नानी के, हाँ। पर नानी के फ्रेंड्स है सब लोग, हम लोग मिलने आए गाँव में। और ये दूसरा रूम ये इसका ही रहता है, गोबर से क्या कर, गोबर से लेपते ना वो घर है, मिट्टी है नीचे और ऊपर से सिर्फ गोबर से लेपते हैं उसको, मिट्टी का बना हुआ घर है। ये दीवारें भी, ये दीवारें भी दिख रहे हैं आपको, ये सब मिट्टी का है पूरा, उसके ऊपर गोबर से लेप सिर्फ लगाया है, जो गांव में अभी ज़्यादातर दिखाई नहीं देते इसे घर, हमारे गाँव में ही हमारा घर है। और ये भी अभी नहीं दिखाई देगा अगले साल से, क्योंकि अभी 15 दिन के बाद इसको भी रीडेवलपमेंट के लिए हम लोग ने डाल दिया है, तो अगले साल नया घर होने वाला है। और मेरे नाना सोए गाँव के नेचर में वो सोए अभी, और हमारा गांव ऐसा है कि वो चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में पहाड़ है, उसके ऊपर हमारा गांव है, पहाड़ के ऊपर, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल गया जल जाएगा कि एग्जैक्ट कैसा गांव है। चारों तरफ से पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, चारों तरफ से ऐसे से, और बीच में एक पहाड़ है उसके ऊपर हमारा गांव है, और नीचे दूसरे जो हमारा हमारा खुद का गांव, मेरा गांव है वो नीचे, ये हमारी मम्मी का गांव है, मतलब मेरे नाना का गांव है वो नीचे पहाड़ों के नीचे, आजू बाजू से पहाड़ है और बीच में उनका गांव है, बाजू में नदी, मस्त है वो भी, हम कल लेकिन बारिश में आपको, और जब हम लोग बारिश में आएंगे ना तो आपको दिखाएंगे वो अच्छे से, हाँ। अभी सिर्फ अभी दिखाएंगे नदी, लेकिन वो दिखेगी नहीं क्योंकि सूखी है अभी, कुछ पानी नहीं इतना ज्यादा, लेकिन बारिश में भी हम लोग वापस आएंगे, ट्राई करेंगे आपके लिए, और फिर बारिश में वो और अच्छा दिखेगा आपको, क्योंकि नदी रहेगी ना, बारिश में पानी रहेगा तो और अच्छे से दिखेगा वो। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ देखते हम भी पहले ढूंढते कुछ है क्या गांव में घूमने के लिए, बहुत सारा है गांव में, घूमेंगे तो बोलते ना 8 दिन भी निकल, गांव में घूमने के लिए बहुत है लेकिन हमारे पास टाइम कम है। अगर आपको मिसिंग नहीं लग रहा है कुछ, ये हम दोनों ही लिख रहे हैं आपको, जो शीतल है हमारी 3rd नंबर, वो एग्जाम की वजह से घर में रह गई है, तो उसके वजह से हम लोग को जल्दी जल्दी ट्रिप खत्म करके घर वापस जाना है, इसके लिए थोड़ा कम टाइम है हमारे पास, लेकिन कम टाइम में हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। Yeah.